कल जो लपट रही थी आज दोबारा। अब डाल देंगे ना, दिक्कत किस चीज की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है होली, तो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और देखिए, दीदी के मोहल्ले वाले आए थे, दीदी के फ्रेंड लोग, तो दीदी को एकदम से रंग चंग गए हैं, और है ना। और मैं अभी बची हुई हूँ क्योंकि मैं नहीं निकली थी बाहर उन लोगों के सामने जो लोग आए थे, क्योंकि मेरे जीजाजी, मेरे जेठ भी थे बाहर, जीजाजी और जेठ दोनों ही हैं, तो बाहर थे तो मैं नहीं गई थी। और ये देखिए दीदी क्या बना रही है, आज मैं इडली सांभर बना रही हूँ। दीदी इडली सांभर बना रही हैं, थोड़ी बहुत सुबह मैं हेल्प कर दी थी, मतलब सब्जी उब्जी काटने में, बाकी सब दीदी ही करी हैं, दाल फ्राई करी हैं। और हाँ रुकिएगा, इडली बन गई, सांभर बन गया है ये। और चल पहले लगा दीजिए मेरे फ्रेंड्स लोगों होली का। अब दीदी मुझे लगाएंगी। बस मुझे अभी से अब मैं सीधे हाथ से करूंगी ना। तो चाहत तो पता नहीं कहाँ है, तो मैं ज्यादा नहीं पहले सीधे लगा हुआ। तो दीदी को मैं लगा दी होली। और अभी शुरुआत ही हुई है, और अभी अब सबको लगाना है, मतलब भगवान जी की पूजा वगैरह तो हो गई, तो चाहत नहीं रहती है, तो फिर ब्लॉग भी हर जगह का नहीं शूट कर पाती हूँ। अब जाऊंगी मैं, अब वीर को लगाऊंगी, जय जी को लगाऊंगी, और अब सभी को लगाएंगे, खेलेंगे, डांस मस्ती सब कुछ करेंगे। इधर देखिए इडली बन चुकी है इतनी, और बन रही है, और इधर दीदी लगा रही है थाली। आदित्य लोग, आदित्य लोग नहीं आए हैं, आदित्य भी नहीं आए हैं, बाकी ज्योति है। और किसको देना? पापा को। हरा सिंदूर लगा दो। ये छोटी सी है, ये क्या कर पाएगी? इसका पूरा मुंह हरा करो। कल जो लपट रही थी आज दोबारा। कल वहाँ पे क्या, कहाँ पे, वहाँ कहीं पे रोड में चार चुड़ैल लपट रही थी। सुबह से हम लोग कई बार खेल चुके हैं, कई बार मुंह धो चुके हैं, ये दूसरा तीसरा राउंड है। हमने सोचा थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग। हमसे नहीं लगाया, तो नहीं लगाया कोई उनको।
फोटो नहीं मेरी वीडियो है। तीन मात्राएं खींच रहे हैं। दीदी मेरे ऐसे लगा चीटिंग है ना, देख नहीं है ना। उगार दो बुरा मान जा। हम वो लगाए दे थे। ये हमका कहा गया था मुझे कहीं दे थे। नहीं बिल्कुल सही बात है। अब डाल देंगे ना, दिक्कत किस चीज की। सो एवरीवन, अभी हो गई है शाम, मतलब रात हो गई है, और लाइट वगैरह इतनी जल रही है कि बिल्कुल से ऐसे लग रहा कि कितना प्रकाश है। तो अभी रात हो गई है और शाम को बन रहा है छोले भटूरे। तो यहाँ पे मतलब हम सब ने ना फिर से रात में शाम को भी नहा लिए हैं, क्योंकि रंग खेले थे, तो बहुत ज़्यादा रंग नहीं खेले थे हम लोग, अबीर वाला खेले थे, गुलाल वाला। बट फिर भी अभी शाम को सब लोगों ने नहा लिया और कपड़े चेंज करके, मैं साड़ी पहनी थी दिन में तो अभी सूट पहन ली हूँ, और बन रहे हैं छोले भटूरे। तो इधर दीदी सब्जी छोले बना दी हैं, और ये यहाँ पे भटूरे का आटा गूंथ ली हूँ, और अभी भटूरे तलना है। तो बस अब शाम को छोले भटूरे बनेंगे। और हाँ, मेरे बच्चे चावल के बगैर उनका पेट नहीं भरता, खाना नहीं खाते, तो चावल बन गया है। बनाना था पुलाव, बट दोपहर में इडली खाए थे तो अब ज़्यादा मन नहीं था, तो चावल छोले ऐसे ही। तो चलिए बना लेते हैं छोले, अरे सॉरी भटूरे। चाहे तो और चाहिए? नहीं। करेले का चार माधवी भीड़े कहाँ से आया है? माधवी भीड़े मिर्ची का चार दे दो ना, कहाँ है मिर्ची का चार मैं खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये है छोले भटूरे और साथ में चावल। मैं खाना देके आती हूँ, ज्योति बना रही है। देख के कैसा लग रहा है? क्या इसको खिलाओ भटूरे तो थोड़े थोड़े। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए भटूरे हमारे इस तरह से बन रहे हैं। ये देखिएगा कितने अच्छे से फूल गया ना। तो बस आ जाइए, आप लोग भी भटूरे खा लीजिए और बताइए टेस्ट कैसा होगा। क्योंकि अभी तो हम भी नहीं खाए हैं। तो बस ये देखिए ज्योति बना डाली है भटूरे। मेरे को तो बेलना ही नहीं आ रहा इतने अच्छे से, जितने अच्छे से ज्योति बेल रही है।